हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उद्योग धंधा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। दोस्तों इस बिजनेस को करके दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये हर कोई कमा रहा है। बहुत ही कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेहनत करते हो तो दिन का 5 हज़ार से ज़्यादा भी पैसा आप इस मशीन से कमा सकते हो, इस बिजनेस से कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि इस बिजनेस को करना कैसे है और इस बिजनेस से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों इस मशीन से पाउच को कैसे भरा जाता है, सारी कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखें, और अभी तक आपने हमारे उद्योग धंधा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाके लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे के निशान को दबा करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जो मैं आपको लेकर आया हूँ दोस्तों, यह है बॉटल से पाउच फिलिंग मशीन, यानी कि इस तरह के बॉटल से पाउच को बना करके बेचने का बिजनेस। दोस्तों पूरी जानकारी दोस्तों आगे आपको मिलेगी, तो आप इस वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहें। इस तरह के बंच बनाने के बाद दोस्तों मार्केट में सेल होता है 70 रुपये में, और दोस्तों दुकान वाला इसको 5-5 रुपये में बेचता है। तो ये कितने में बनेगा, इसकी लागत कितनी है, ये भी आपको मैं आगे बताऊँगा। साथ साथ में दोस्तों देखो इस तरह के फ्लेवर्स आते हैं, इससे आप अलग अलग प्रकार के पाउच बना सकते हैं, जैसे मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, ऑरेंज, गावा, काला खट्टा, जीरा, लेमन, इस तरह के बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। लगभग 18 फ्लेवर्स आते हैं, और उसकी इस तरह की बॉटल से पाउच आते हैं, खाली पाउच। ये खाली पाउचेस हैं, जैसे भरने के बाद दोस्तों इस तरह के पाउच दिखते हैं, जैसे मैंगो के पाउच हो गए। आप अगर लस्सी बना लस्सी बनाकर भी बेच सकते हो, इस तरह के लस्सी के पाउचेस हैं। और दोस्तों इस तरह के अलग अलग फ्लेवर पाइनएप्पल के पाउचेस हैं, ये देखिए स्ट्रॉबेरी के पाउचेस हैं। इस तरह के भरने के बाद दोस्तों इस तरह के बेहतरीन पाउच दिखते हैं, ऐसे अलग अलग फ्लेवर में पाउच आते हैं, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों मशीन की खासियत दोस्तों SS में बनी है, यानी कि स्टीलनेस स्टील में मशीन ये बनी हुई है, और ये डबल नोजल की है। यहाँ पर एक टाइमर है और इधर एक नोजल है, हमने स्टील का नोजल डाला है। ब्रास का नोजल दोस्तों जल्दी ख़राब होता है और जूस के लिए इफेक्ट करता है, इसीलिए हमने SS का नोजल इसमें यूज़ किया है। ये पुश बटन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और दोस्तों मशीन की आप बनावट देखिए दोस्तों SS में बना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमने इसमें पाइप यूज़ किया है बनाने के लिए। और दोस्तों देखिए आप इसका डिज़ाइन और बहुत ही बेहतरीन है और एक्यूरेट हमने इसको बनाया हुआ है, और इसी के अंदर हमने यहाँ पे पावर पॉइंट दिया है ताकि हैंड सीलिंग मशीन आप इसमें लगा सको पाउच को सील करने के लिए। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइमर और इधर नोजल है, यानी कि डबल नोजल की टाइमर वाली मशीन है। इस मशीन का काम ये होता है कि जैसे आपको 50 ml का पाउच भरना है, आपको दिखा देता हूँ 50 ml पाउच, ये वाला दोस्तों ये 50 ml का पाउच होता है। अगर इसको भरना है तो आप इसमें 50 ml की सेटिंग करेंगे तो उतना ही जूस आएगा जितना ही पाउच में भरना है। इसके बाद दोस्तों 50 ml में अलग अलग तरह के पाउच हैं, मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, इस तरह के मिक्स फ्रूट, अलग अलग पाउचेस आते हैं। सारे पाउचेस आप एक ही मशीन से भर सकते हो। और अगर आपको 100 ml की इस तरह के पाउचेस भरने हैं, आप देखिए कितना टाइट पाउच भरा हुआ है, इस तरह के 100 ml के पाउचेस भी आप इसी एक ही मशीन से भर सकते हो। और दोस्तों इस मशीन की खासियत ये है कि एट ए टाइम आप 2 अलग अलग फ्लेवर के पाउचेस भर सकते हो। समझो आप इधर से पाइनएप्पल का भर रहे हो एक नोजल से, तो सेम टाइम में आप दूसरे तरफ से स्ट्रॉबेरी भर सकते हो, या 100 ml का भर सकते हो या 200 ml का भर सकते हो। दोनों का सेटिंग अलग है, दोनों के टाइमर अलग है, और दोनों का जो इनलेट पाइप भी अलग दिया हुआ है। इसी में दोस्तों 200 ml का आप देख रहे हो, इस तरह की बॉटल शेप में भी पाउच आता है 200 ml का, और ये 200 ml में आपको विथ कैप ढक्कन वाला भी पाउच मिलता है। तो इस तरह के बेहतरीन पाउचेस का कलेक्शन आपको मिलेगा। और साथ साथ में दोस्तों इसको बनाना कैसा है, इसका पूरा तरीका भी हम बताते हैं, वीडियो कॉल करके हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं हमारे कस्टमर्स को कि कैसे फ्लेवर्स बनाने हैं, इन फ्लेवर का यूज़ करके कितनी शक्कर डालनी है, कितना पानी डालना है, और टेस्ट के लिए और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, पूरी जानकारी हम देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस मशीन से पाउच भरते हैं, ये खाली पाउच जो होता है दोस्तों, इस तरह का दोस्तों एक खाली पाउच आपको एक 90 पैसे का खाली पाउच आता है, और उसके बाद में भरने के बाद में ये जब भरता है पाउच, तो इसमें जब जूस डालेंगे आप फ्लेवर से बनाकर, चीनी वगैरह सारा खर्चा मिला करके, लाइट का बिल वगैरह, तो 1 रुपये 70 पैसे में आपको ये रेडी हो रहा है, यानी कि ये बिकने वाला है 5 रुपये में दुकान पर, लेकिन आपको इसको होलसेल में बेचना है। इस पाउचेस का आपको इस तरह के प्लास्टिक के पन्नी के अंदर 20 पीस का पूरा बंच बनाना है, जैसे कि हमने बनाया हुआ है, आपको इस तरह से 20 पीस का एक बंच बनाना है इस तरह से, और इस बंच को आपको बेचना है 70 रुपये में दुकानदार को, और दुकानदार अपने कस्टमर को एक 5 रुपये में बेचेगा, दुकानदार को भी इसमें 30 रुपये मिलेंगे पूरे 20 पीस बेचने के बाद में। ऐसे बंच दोस्तों आप अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो, पाइनएप्पल, और आपको डायरेक्ट बंच टू बंच ही सेल करना है।
और इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो पर आवर 1 घंटे में आप 250 से 300 पाउच इस तरह के 100 ml के भर सकते हो, और इस नोजल से भी आप 250 से 300 यानी कि 1 घंटे में 500 से 600 का बॉटल का प्रोडक्शन आप कर सकते हो इस तरह के बॉटल से पाउच का। तो यानी कि बहुत ही कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा दोस्तों ये मशीन देती है। और दूसरी खास बात दोस्तों यह है कि जो भी मार्केटिंग के लिए जो भी मटेरियल लगता है, जैसे कि डिस्प्ले स्टैंड, आप देख रहे हो इस तरह से हमने पाउच को इस तरह से डिस्प्ले किया हुआ है, आपको भी अपने जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी आपके ग्राहक हैं, जैसे कि दुकान वाले, उनको आपको इस तरह के स्टैंड देने हैं। ये 10 रुपये में एक स्टैंड आता है, उसमें चार आपके जो फ्लेवर आप बना रहे हो, चार पाउच का सैंपल लगा दो, जब भी ग्राहक दुकानदार के पास आएगा इसको देख करके ऑर्डर करेगा, जिससे फ़ायदा ये है कि आपका सेल बढ़ेगा तो आपको ऑर्डर ज़्यादा आएगी। इसी के अंदर दोस्तों आप देख रहे हैं लस्सी, लस्सी भी आप अपने घर पे ही बना सकते हो, कोई फ्लेवर वगैरह की जरूरत नहीं है, दही से आप लस्सी बना करके भी आप इसमें भर के बेच सकते हो। पूरा ट्रेनिंग हम देंगे, कितना शक्कर डालना है, कैसे बनाना है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। और एक ही मशीन से दोस्तों मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, जैसे पानी के पाउचेस भर के आप बेच सकते हैं, और इस तरह के 50 ml के पाउच, 100 ml के पाउच, 200 ml के पाउच, यानी सारा चीज़ आप एक ही मशीन से भरेंगे। 200 ml के दोस्तों खाली पाउच इस तरह से आते हैं, यहाँ पे ढक्कन को खोलना नहीं होता है, ढक्कन के बाजू में आपको देखेंगे भरने के लिए जगह दिया है, इसको भरने के बाद इसको सील कर देना है इधर से, जब ग्राहक पिएगा इसको तो यहाँ से ढक्कन खोल करके पिएगा, यानी कि सील रहेगा पूरा। और इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सारे पाउचेस बने हुए हैं हमारे यहाँ पर भी, और इसका ये रॉ मटेरियल है, ये सब चीज़ें दोस्तों। मशीन से पाउच को भरना बहुत ही आसान है, कोई भी भर सकता है। ये जो टाइमर वाली जो मशीन है, इसमें आपने एक बार टाइमर सेट कर दिया 100 ml का, तो जितने आपको 100 ml के पाउच भरने आप उतने भर सकते हैं। अगर आपने 200 ml का भरना है तो 200 ml का टाइमर सेट करना है तो उतने भर सकते हैं, और खाली इस बटन को दबा देना है। मैं इसका आपको डेमो दूंगा कैसे भरना है पाउच का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पर भी नंबर है और हमने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसको दोस्तों हमने डबल नोजल का इसीलिए बनाया है कि दो लोग एक साथ में काम कर सकते हैं, एक इधर से एक बंदा काम करेगा यहाँ पे बैठ करके और दूसरा बंदा इधर से काम करेगा, यानी कि एक साथ में आपका डबल प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और दोस्तों ये मशीन SS की बनी होने की वजह से ये मशीन ख़राब होने की या जंग पकड़ने की, इसमें कोई जंग वगैरह नहीं पकड़ेगा, और साथ साथ में कंपनी इसकी 6 महीने की पूरी गारंटी देती है, कोई भी सामान खराब होगा तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के देगी, आपको कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं है। दोस्तों मशीन की कीमत की बात की जाए तो 25,000 रुपये मशीन की यह कीमत है और GST मिलाकर के 29,500 होता है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करके आप इस मशीन को खरीद सकते हो। हम मशीन के साथ में दोस्तों आपको कॉम्प्लीमेंट्री में इस तरह के पाउचेस देते हैं, 1,000 पाउच 2 फ्लेवर के, उसके फ्लेवर्स देते हैं, हैंड शेयरिंग मशीन देते हैं। हम ये जो फ्री दे रहे हैं दोस्तों इसीलिए दे रहे हैं कि जब आपके पास मशीन आएगी तो हम इनके ऊपर आपको डेमो करके दिखा सके कि सर कैसे फ्लेवर बनाना है और इससे कैसे आपको पाउच में भरना है। डेमो के लिए आप जब सीख जाओगे तो आप हमें और एक्स्ट्रा पाउचेस ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपको पाउचेस की रिक्वायरमेंट है, 100 ml की, 200 ml की, 50 ml की, तो हम जितना भी आप बोलेंगे उतना आपको हम पाउचेस भेजेंगे। सारा रॉ मटेरियल हमारे पास ही मिलेगा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही जगह से। और दूसरी बात दोस्तों आप निश्चित रहिए कि आपको ये पाउचेस कैसे भरना है, कौन सिखाएगा, हम आपको वीडियो कॉल पे सिखाएंगे। जब तक आप नहीं सीखते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आप जब तक पूरी तरह से नहीं सीख जाते तब तक हम आपको सिखाएंगे। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए कि हमको आएगा क्या नहीं आएगा, ये बिजनेस चलेगा क्या नहीं चलेगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कॉल पे इस तरह से, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं इस तरह से हम आपको वीडियो कॉल करके भी मशीन के बारे में जानकारी देंगे। आप बिजनेस को समझ करके फिर कॉल करिए और बिजनेस समझ करके फिर बुक करके मशीन को लीजिए, ठीक है सर। तो चलिए हम देखते हैं इस मशीन से पाउच को कैसे भरना है। देखो दोस्तों एक पाउच को आपको जैसे भरने के बाद में सील करना है, बहुत आसान है, इस तरह से पकड़ना है इस पाउचेस को और इस हैंड सीलिंग मशीन से सील कर देना है, और बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, इस तरह से बेहतरीन तरीके से पाउचेस को सील कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगली बात की जाए तो इस मशीन से पाउच कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पाउच को लेना है इस तरह से, कोई भी फ्लेवर का पाउच, जैसे कि आप ये देख रहे हो 100 ml का पाउच है, 100 ml का, इसको लेना है और इस मशीन के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको ऐसा पकड़ करके इस तरह से पकड़ना है और इस नोजल में लगा देना है आपको। ये 100 ml का आपने सेटिंग किया है टाइमर के अंदर और इसको लगाने के बाद सिर्फ इस बटन को दबाना है, पाउच जब तक भर जाएगा।
और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे निकाल करके इस तरह से यहाँ पे पकड़ना है, ताकत से निकालना है और इसको इस तरह से सील कर देना है। ये आपका एक पाउच बनकर रेडी हो चुका है ये डायरेक्ट सेल करने के लिए। और जैसे रेडी होगा पाउच, अगर आपका पाउच बराबर सील नहीं हुआ तो और एक सील आप मार सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से रेडी हो गया पाउच। उसका आपको इस तरह से क्या करना है, आपको इसे 20 पीस होने के बाद में इस तरह की बंच पैकिंग करनी है, जैसे कि आप देख रहे पाइन एप्पल की बंच पैकिंग हमने की है, और इसको डायरेक्ट दुकानदार को बेचना है। अलग अलग फ्लेवर की बंच पैकिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे स्ट्रॉबेरी की बंच पैकिंग की हुई है, इस तरह से कर सकते हैं। इसके दोनों नोजल है, दो नोजल से आप अलग अलग तरह के पाउच भर सकते हैं। देखिए सर, यहाँ पर हमने इस नोजल में एक पाउच लगाया है 100 ml का, ये है स्ट्रॉबेरी का पाउच। इसके लगाने को सिर्फ आपको बटन को दबा देना है और ये पाउच भर के रेडी होता है। इसको भी आपको डायरेक्ट सील कर देना है। और इस तरह से दोस्तों अलग अलग प्रकार के पाउचेस हमारे पास मिलते हैं, उसका फ्लेवर मिलता है, उसका रॉ मटेरियल मिलता है। तो अगर आपको मशीन खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक ही मशीन नहीं है, आप देख सकते हैं अलग अलग मशीन्स है। अगर आपको बॉटलिंग प्लांट खरीदना है, फाउंटेन सोडा मशीन खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पे बॉटलिंग प्लांट है 1+2 का, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में अवेलेबल हैं। ये हमारा डेमो सेक्शन है, तो यहाँ पे हम सिर्फ डेमो करने के लिए जो प्रोडक्ट लाते हैं कस्टमर को वीडियो कॉल करके बताने के लिए, वही प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं नॉन इलेक्ट्रिक में भी हमारे पास फाउंटेन सोडा मशीन है, ये मशीन भी हमारे पास है। इसके साथ में दोस्तों एक कॉटन शुगर कैंडी मशीन है। इस तरह के बहुत सारे मशीन हमारे पास मिलते हैं। तो आप कोई भी मशीन खरीदना चाहते हैं तो कॉल करिए, वीडियो के इस डिस्प्ले पे नंबर है और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करके आप मंगा सकते हैं। धन्यवाद।